इसलिए उनके साथ जब कोई कुछ गलत करता है तो मुझे पसंद नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ तेमा, और सुबह भाभी ने ही मुझे कमरे में भेजा था और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था, बस मुझे नहीं अच्छा। अच्छा आप जाने दे इस बात को, आपने एक्सक्यूज भी कर लिया। फलक तुम्हें मालूम है तुम्हारे कितना बड़ा दिल है, शायद मैं ही तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। ऐसी बातें मत करें, आपके अल्फाज आपके जज्बात मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत कीमती। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। मुबारक हो, माशाल्लाह आपकी फैमिली में एक खूबसूरत इजाफा होने जा रहा है। आप कल आ जाएं, मैं आपके टेस्ट करवा देती हूँ। टेस्ट में करवा चुकी हूँ। That's good। लेकिन मुझे और सुहेल को ये बच्चा नहीं चाहिए। What? लेकिन क्यों? अगर मैं आपको वजह ना बताना चाहूँ तो? मर्जी है आपकी, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती। मिस किंसा, आप ठीक तो है ना? दरअसल सुहेल को ब्रेन ट्यूमर है और हो सकता है कि इलाज के लिए उन्हें मुल्क से बाहर लेकर जाना पड़े। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेट करना पड़ेगा और इसमें रिस्क भी है। मैं तो अपने मुंह से वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहती जो डॉक्टर ने कहा है। ओह, इट इज रियली सैड। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। निशौर के बारे में इतनी बड़ी बात सुनने के बाद दुनिया की कोई भी औरत मजबूत नहीं रह सकती। अल्लाह तो है ना, आप परेशान मत हो, सुहेल साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो अपने इस दुख को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। माँ बाप है नहीं, एक भाई है वो भी बाहर मुल्क रहता है। अल्लाह तो है ना, आप परेशान ना हो। और आपने बताया था ना सोहेल साहब के भाई आपके देवर जो हैं वो आपका बहुत एहतराम करते हैं। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है ना, अपने और पराये सभी साथ छोड़ देते हैं। सोहेल की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बाहर मुल्क लेकर जाएंगे तो मेरा उनको वक्त देना बहुत जरूरी होगा। इसे में मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा सरवाइव कर पाएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बस। ये ठीक नहीं है मिस किंजा, मैं किसी और डॉक्टर के पास भी जा सकती थी, आप अपनी हैं ये सोच कर आई हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी, मेरे साथ देंगी, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मैं आपके लिए दुआ तो कर सकती हूँ मगर आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा।
बढ़िया है नेक परवीन, ऐसे कह रही है जिससे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा ख्याल रखना होगा। क्या बात है, क्यों परेशान है आप? क्यों? इतनी गहराई में आप कुछ सोच रहे हैं ना? कोई बात है जो मुझसे शेयर नहीं करेंगे आप? तैमूर ऑफिस में क्या कोई मसला है? ऑफिस में तो काफी मसले हैं ही, अकेले हैंडल नहीं हो पाता मुझसे। अकेले क्या मतलब, सुहेल भाई भी तो होते हैं ना आपके साथ ऑफिस में। हाँ, लेकिन सुहेल भाई इतने बिजनेस माइंडेड नहीं है। फिर बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो ज्यादातर वक्त उन्होंने घर पे ही गुजारा है। तो पता है फलक, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचाया। सुहेल भाई तो ऐसे ही ऊपर ऊपर के काम देख लेते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनकी मौजूदगी ऑफिस में मेरे लिए काफी होती है, वरना बाकी तो सारा काम मैं देख ही लेता हूँ। क्या मतलब, अब वो ऑफिस में नहीं होते क्या? मोस्टली नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन घर से तो वो ऑफिस का कह के जाते हैं। यही तो सारा मसला है कि वो घर से ऑफिस का कह के जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहीं चले जाते हैं या तो फिर आते ही नहीं है। आते ही नहीं तो कहाँ जाते हैं वो?